हेलो एवरीवन, मैं विपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 16 मार्च 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और जो इतने दिन से जो है मेरा गला बहुत ही ख़राब था, तो जिसकी वजह से मैं कोई भी अपना वीडियो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो गया है तो आज से फिर से मैंने ये शुरू किया है। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का जो पहला जो टॉपिक है वो है कैबिनेट ने जो है अभी जो कि यस बैंक के लिए जो एक जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है उसके लिए अप्रूवल दिया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन कैबिनेट ने जो है अभी 13 मार्च 2020 को यस बैंक के लिए जो एक जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है उसके लिए अप्रूवल दिया है। और यस सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो है वो अभी जो कि इस स्कीम के अंडर यस बैंक का ही जो एक जो 49% स्टैक है वो खरीदेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि कैबिनेट ने जो है अभी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया यस बैंक का जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है उसको अप्रूवल दिया है कैबिनेट ने। और पहले जो था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया था इन प्लेस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यस बैंक। अ विड्रॉल लिमिट ऑफ अप टू ₹50,000 एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस वाज इम्पोज्ड। और जो डिपॉजिटर्स जो थे उन्होंने काफ़ी जो डिफ़िकल्टीज जो थी इन विड्रॉइंग देयर कैपिटल ड्यू टू RBI's डिसीजन वो फेस किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है उन्होंने अभी जो कि सुप्रीम कोर्ट CJI रूल्स और लिमिटेड शट डाउन ऑफ द कोर्ट, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 15 फरवरी 2020 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े ने जो है ये अनाउंस किया है कि टोटल जो शट डाउन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स आर नॉट पॉसिबल, कि सभी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट या और जो बाकी जो कोर्ट्स जो है उसको बंद रखना मतलब पॉसिबल नहीं है। और SC ने जो है अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑन अदर हैंड वो अभी वर्चुअल कोर्ट्स को भी मतलब लॉन्च करेंगे। और SC ने जो है अभी 16 मार्च 2020 को होली के हॉलीडेज के बाद सुप्रीम कोर्ट मतलब फिर से शुरू हुआ है। और आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू मेक इट्स ओन रूल्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट प्रोसीड्योर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कोर्ट, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर स्टेटहुड जो है उसको भी जल्द ही रिस्टोर किया जा रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 15 मार्च 2020 को पॉलिटिकल डेलीगेशन पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये घोषणा किया है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको जल्द ही मतलब रिस्टोर किया जाएगा। और वाइल रिज्यूमिंग स्टेटहुड ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू रिलीज पीपल फ्रॉम डिटेंशन, रिलैक्स कर्फ्यू एंड रिस्टोर इंटरनेट। और एक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको भी बहुत जल्द ही मतलब इसको बनाया जाएगा फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द टेरिटरी। और ये जो है ये फर्स्ट पॉलिटिकल डेलीगेशन है 370 जो आर्टिकल है उसको हटा देने के बाद ये मतलब फर्स्ट पॉलिटिकल डेलीगेशन है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस से रिलेटेड, यानी कि US फेडरल रिजर्व जो है उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो 0% से कट कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 16 फरवरी 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स रिजर्व बैंक ने ये घोषणा किया है कि जो की इंटरेस्ट रेट्स जो है उसको भी 0 से 0.25% तक मतलब घटाया जाएगा। और इसको जो है इसको अभी जो कि कोरोना वायरस के जो ग्रोइंग इम्पैक्ट है उसी के रिस्पॉन्स में किया जा रहा है। और ये जो है ये अभी लेस देन 2 वीक्स में रिजर्व बैंक के द्वारा मतलब कट किया गया सेकेंड इमरजेंसी है
सिमिलर रेट कट्स जो है उसको अभी बैंक के द्वारा पहले जो 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसी के दौरान किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेथनोट्रॉफिक बैक्टीरिया कल्चर, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ये हो रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने जो है अभी 45 जो स्ट्रेन जो है ऑफ मेथनोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब मेथनोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो 45 स्ट्रेन है उसको अलग किया है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने। और ये जो बैक्टीरिया जो है वो अभी राइस प्लांट्स में जो मिथेन जो एमिशंस है उसको रिड्यूस करने में कैपेबल है। अपार्ट फ्रॉम आइसोलेटिंग द स्ट्रेन्स, साइंटिस्ट ने जो है अभी जो कि मेथनोट्रॉफिक कल्चर है उसको भी बनाया है, और आइसोलेटेड बैक्टीरिया जो है वो अभी साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया से है थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सार्क, SARC, तो सॉरी SAARC। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है अभी इंडिया ने COVID-19 इमरजेंसी फंड्स के लिए प्रपोज किया है इसमें, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 15 मार्च 2020 को सार्क लीडर्स ने जो है अभी टू फ्रेम अ स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, और पीएम मोदी ने जो है अभी इंडिया के बिहाफ में इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, और इंडिया ने प्रपोज किया है, इंडिया ने ये प्रपोजल मतलब दिया है कि एक जो COVID-19 इमरजेंसी फंड के लिए फंड के क्रिएशन के लिए मतलब प्रस्ताव रखा है इंडिया ने। ऑल्सो इंडिया इज टू सेटअप डिजीज सर्विलियंस पोर्टल इन ऑर्डर टू ट्रेस द वायरस केरीज इन बेटर वे। और इंडिया जो है वो अभी जो कि डिजीज जो सर्विलियंस पोर्टल है उसको भी अभी स्थापित करेंगे टू इन ऑर्डर टू ट्रेस द वायरस केरीज इन बेटर वे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वन चाइल्ड डाइज एवरी 10 मिनट्स इन यमन एंड सीरिया। तो हर 10 मिनट में जो है एक बच्चा यमन और सीरिया में एक बच्चे की मौत हो जाती है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने जो है हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज किया है, ये कहते हुए कि 4 लाख से भी ज़्यादा जो बच्चे जो है वो अभी यमन में भुखमरी के खतरे में है, और इसको जो है ये जो है ये अभी 2.2 मिलियन चिल्ड्रेन जो है उनको अभी अर्जेंट केयर की ज़रूरत है ड्यू टू पुअर हेल्थ कंडीशंस। ये भी रिपोर्ट किया गया था, इसमें रिपोर्ट में था ये। और जो यूनिसेफ का जो रिपोर्ट जो है वो ये हाईलाइट करता है कि यमन और सीरिया एरियाज़ में जो चिल्ड्रेन जो है उनमें अभी सेवरल जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है उसको पाया जाता है पाया गया है। इट वॉज ऑल्सो सेड इन द रिपोर्ट दैट एटलीस्ट वन जो चाइल्ड जो है एक जो बच्चा जो है वो हर 10 मिनट में मतलब उसकी मौत हो जाती है ड्यू टू डायरिया इन्फेक्शन एंड मेल न्यूट्रिशन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वही इंडिया जो है वो अभी 18 of 37 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्लोज कर रहा है, वो भी जो कि अभी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के कारण ये किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 14 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी 15 मार्च 2020 से जो 37 में से 18 जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसको सस्पेंड किया है, निलंबित किया है, और जिसमें नेपाल म्यांमार भूटान और बांग्लादेश शामिल है। एज कोरोना वायरस आउटब्रेक हैज़ रीच 93 इन नंबर्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन द कंट्री जो है उसको भी बंद करने के लिए ऑर्डर दिया है, क्लोज करने के लिए ऑर्डर दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है साइंटिस्ट ने अभी जो कि न्यू जो वे जो है टू डेवलप अ थेरेपी फॉर टंग कैंसर उसको खोजा है, मतलब ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, जल्द ही मतलब खोजेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि बहुत जल्द जो है टंग कैंसर के लिए एक जो न्यू जो थेरेपी है वो मिल सकती है। बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट एट द हैदराबाद बेस्ड DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर
उन्होंने जो है अभी एक न्यू मैकेनिज्म को डिस्कवर किया है दैट प्रिवेंट्स कैंसर व्हेन एन एंटी कैंसर प्रोटीन इज कन्वर्टेड. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सौराष्ट्र ने जो है अभी रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. तो सौराष्ट्र टीम ने जो है अभी 70 सालों में जो है फर्स्ट टाइम के लिए रणजी ट्रॉफी का जो टाइटल है वो जीता है. और सौराष्ट्र जो है वो अभी बिकेम द चैम्पियन बेस्ड ऑन द लीड अचीव इन द फर्स्ट इनिंग ऑफ द फाइनल अगेंस्ट बेंगल. और पहले जो था सौराष्ट्र का एज नवनगर वेस्टर्न इंडिया के तौर पे जाना जाता था. और उन्होंने जो है 1936-37 and 1943-44 ट्रॉफीज जीते थे उन्होंने ये ट्रॉफीज. और उसको जो है अभी सौराष्ट्र के तौर पे 1950 में रीनेम किया गया था एंड स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दिस डोमेस्टिक टूर्नामेंट. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. तो आज के लिए इतना ही है. कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ. तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा. कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. जय हिंद.